सर्वांग साथी पूर्ण फैशन मॉल सर्व वयोगटतिल अपवादात्मक श्रेणी विस्तृत वैरायटी श्री बरसिद्धि शॉपिंग मॉल सिनी तारका रिंकू राजगुरु सेवन 18 अक्टूबर रोजी शुभारंभ श्री बरसिद्धि शॉपिंग मॉल अपल्या चंद्रपुर मधे श्री बरसिद्धि शॉपिंग मॉल वेडिंग कलेक्शंस ब्राइडल लहंगास सैरीज चुड़ीदार ड्रेस मटेरियल्स वेस्टर्न वेयर किड्स वेयर मेंस वेयर 18 अक्टूबर रोजी महा शुभारंभ श्री बरसिद्धि शॉपिंग मॉल कस्तूरबा रोड चंद्रपुर महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए गढ़चिरौली में आज सुबह 7 बजे से और अन्य जिलों में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। प्रत्येक जिले के प्रतिनिधियों के अनुसार चंद्रपुर को छोड़कर बाकी सभी जगह अटबाले गानार और झाड़े में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जबकि चंद्रपुर में अटबाले सबसे आगे दिख रहे हैं। नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा समर्थित शिक्षक परिषद के गानार तीसरी बार उम्मीदवार हैं। वे पिछले 2 बार से विधायक हैं। विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ के सुधाकर अटबले उम्मीदवार हैं। उन्हें महाविकास अघाड़ी का समर्थन प्राप्त है, जबकि विधायक कपिल पाटिल के शिक्षक भर्ती प्रत्याशी राजेंद्र झाड़े तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि गानार पहले 2 बार विधायक रह चुके थे मगर वोटर उनसे नाराज थे, इसलिए बीजेपी गट की ओर से मांग की जा रही है कि उन्हें टिकट ना दिया जाए। लेकिन चूंकि गानार आवेदन पत्र भरकर वापस लेने को तैयार नहीं थे, इसलिए भाजपा ने अपना समर्थन उनको दिया है। अटबले चंद्रपुर के रहने वाले हैं और भले ही महाविकास अघाड़ी ने उनका समर्थन किया है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने उनसे मुंह मोड़ा ऐसा दिखाई दिया है। उसी तरह कांग्रेस नेता पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने राजेंद्र झाड़े का खुला समर्थन किया और उनके लिए प्रचार किया। इस सीट पर 39,000 से ज्यादा वोट हैं और 50% वोटिंग अकेले नागपुर जिले से है। चंद्रपुर जिले में करीब 7,000 वोट हैं, बाकी वोट वर्धा गोंदिया भंडारा गढ़चिरौली जिले के हैं। चूंकि गानार और झाड़े नागपुर से हैं, इसलिए उनके बीच सीधा मुकाबला होगा। इधर चंद्रपुर को छोड़कर अन्य जिलों में अटबले को ज्यादा मान्यता दिखाई नहीं दी। नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत वंजारी का समर्थन करें, हम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षक भारती के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, ऐसा वादा शिक्षक भारती विधायक कपिल पाटिल को कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुनील केदार और अन्य ने दिया था। कुल मिलाकर ये शिक्षक आमदार का चुनाव पूरी तरह से त्रिकोणीय हो गया है और किसी को भी नंबर 1, 2 या 3 देना विशेषज्ञ को कठिन हो रहा है, इसलिए 2 तारीख को ही ये मामला सुलझ पाएगा। मगर इस चुनाव का निर्णय बहुत ही कम अंतर के वोटों से होगा, ये निश्चित हो चुका है। गोंडवाना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के हॉल का नामकरण डिडोलकर के नाम पर करने का ठराव लिया गया। मामले की जानकारी होते ही गढ़चिरौली जिले के वसंत राव कुलसंगे ने डिडोलकर के नाम का विरोध करते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया। तब सीनेट के सदस्य नीलेश बेलखेड़े ने भी डिडोलकर के नाम का कड़ा विरोध किया और गोंडवाना विश्वविद्यालय के सभागार और परिसर का नाम क्रांतिकारी बाबूराव शेडमाके के नाम पर रखने की मांग की है। बाद में गोंडवाना विश्वविद्यालय के उपकुलगुरु के नाम हटाने के आश्वासन के बाद कुलसंघ के आमरण अनशन को समाप्त कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदिवासी बहुल जिलों में भी आदिवासी के स्वतंत्र सेनानी और नेताओं के नामों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले का समूचा आदिवासी समाज आक्रोशित हो उठा, जिसका राजनीतिक फायदा समझते हुए कई बड़े नेता भी इस प्रकरण में शामिल हो गए और छोटे कार्यकर्ता और नेता उनके छांव में धूमिल हो गए। एक और सांसद धानोरकर ने डिडोलकर का नाम नहीं हटाने पर जो आंदोलन की चेतावनी दी, वहीं पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार ने पत्र लिखकर अपना आक्रोश जताया। इससे ऊपर कुलगुरु डॉक्टर प्रशांत बोकारे नरम पड़े और उन्होंने इस नामकरण को स्थगति दी, मगर बाद में इस बारे में समाचार माध्यमों को बताते हुए वो फूल संगे नीलेश बेलखोड़े जैसे लोगों का नाम का वर्णन करना भूल गए, जिससे केवल सांसद और पूर्व मंत्री के कारण ये हुआ ऐसा प्रतीत होने लगा। उसमें भी अब सांसद और पूर्व मंत्री श्रेय लेने के लिए अपने प्रेस नोट जारी करके अपना पराक्रम का बखान कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर रास्तों पर दिखाई दे रही है और यही हाल फिलहाल चल रहे शिक्षक आमदार चुनाव में भी नजर आया है, जिस वजह से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। सकारात्मक पत्रकारिता की जाए तो पत्रकारिता के प्रति नजरिया बदलेगा, यही मराठी पत्रकारिता की विचारधारा है। सकारात्मक पत्रकारिता के विचार को मन में जगाने के लिए वॉइस ऑफ मीडिया नामक पत्रकारों का एक संघ बनाया गया है। संगठन वर्तमान में देश के 23 राज्यों में काम कर रहा है। सकारात्मक पत्रकारिता को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष से वॉइस ऑफ मीडिया सकारात्मक पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पत्रकारों को 2.5 लाख रुपये के 4 पुरस्कार
पुरस्कार, नगद 5 विशेष पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। वॉइस ऑफ मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काले, राष्ट्रीय महासचिव चंद्रमोहन पुपाला, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष राजा माने, शेठ ब्रजमोहन लड्ढा, सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आशीष ब्रजमोहन लड्डा ने वॉइस ऑफ मीडिया सकारात्मक पत्रकारिता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। वॉइस ऑफ मीडिया सकारात्मक पत्रकारिता पुरस्कार 2023 प्रथम स्थान को 1,00,000 रुपये नगद, स्मृति चिन्ह पुस्तक प्रमाण पत्र सम्मान तृतीय स्थान को 61,000 रुपये नगद, स्मृति चिन्ह पुस्तक प्रमाण पत्र सम्मान महिला पत्रकार को 51,000 रुपये नगद, स्मृति चिन्ह पुस्तक प्रमाण पत्र सम्मान तीसरे नंबर को 41,000 रुपये नगद, स्मृति चिन्ह पुस्तकें प्रमाण पत्र सम्मान और प्रोत्साहन के रूप में 5 विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। भाग लेने वाले पत्रकारों को दैनिक साप्ताहिक का प्रतिनिधि होना चाहिए। 1 फरवरी 2023 और 31 दिसंबर 2023 के बीच इस प्रतियोगिता के लिए कम से कम 42 या उससे अधिक प्रत्यक्ष प्रासंगिक समाचार लेखों पर विचार किया जाएगा। जनवरी 2024 में विजेताओं को मुंबई में एक भव्य समारोह में राज्यपाल मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सम्मानित किया जाएगा। ये प्रतियोगिता केवल महाराष्ट्र और मराठी भाषा के लिए है। वॉइस ऑफ मीडिया के वरिष्ठ और मुख्य अधिकारी मंदार फांसे, संजय आवटे, धर्मेंद्र जोरे, अनिल मस्के, विलास बड़े, सुधीर चेके पाटिल, बालाजी मारगुड़े चयन प्रक्रिया के प्रमुख के रूप में काम करेंगे। प्रस्ताव वॉइस ऑफ मीडिया कोंकण मंडल कार्यालय L30-1201 स्वर्णपूर्ति सेक्टर 36 खारगढ़ नवी मुंबई 410210 इस पते पर भेजे जाने चाहिए। आशीष ब्रजमोहन लड्डा ने कहा कि मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं इस सामाजिक गतिविधि में भाग ले सका। ये गतिविधि निश्चित रूप से समाज के लिए एक प्रेरणा होगी। वॉइस ऑफ मीडिया की ओर से विदर्भ मंडल अध्यक्ष मंगेश खटिक, जिला अध्यक्ष संजय पडोले, नगर अध्यक्ष सारंग पांडे ने प्रदेश के सभी पत्रकारों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है। सर्वप्रथम वॉइस ऑफ मीडियाच्या वतीने आज आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेला आपण सर्व उपस्थित झालात, त्याबद्दल मी वॉइस ऑफ मीडियाचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून आपण सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो। अत्यंत कमी वेळात आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात, त्याबद्दल आपण सर्वांचं मी आभार देखील मानतो। बंधूंनो, देशात ही पत्रकारिता क्षेत्रात कार्य करणारी ही एक नवीन संघटना आहे वॉइस ऑफ मीडिया, आणि वॉइस ऑफ मीडियाच्या माध्यमातून एक सकारात्मक पत्रकारितेच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक पत्रकारितेच्या माध्यमातून एक उत्कृष्ट पत्रकारिता निर्माण व्हावी आणि याकरिता वॉइस ऑफ मीडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संदीप काळे सर, राज्याध्यक्ष आदरणीय राजा माने सर यांनी सकारात्मक पत्रकारितेकरता पुरस्काराची घोषणा केलेली आहे। त्याच्यामध्ये ही पुरस्कार योजना ही राज्यस्तरीय पुरस्कार योजना राहणार आहे। राज्यामध्ये सकारात्मक पत्रकारितेमध्ये जो पत्रकार बंधू त्याच्यामध्ये 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीमध्ये किमान 45 बातम्या एक सकारात्मक दृष्टिकोनातून प्रकाशित करतील त्यांना या ठिकाणी पुरस्कार दिला जाणार आहे। त्याच्यामध्ये पहिला पुरस्कार राहणार आहे 1,00,000 रुपये, दुसरा पुरस्कार आहे 61,000 रुपये, तिसरा पुरस्कार आहे 41,000 रुपये आणि महिला पत्रकार भगिनी करता सुद्धा या ठिकाणी 51,000 रुपयाचे पुरस्काराची घोषणा या ठिकाणी केलेली आहे। आणि या पुरस्कार योजनेमध्ये जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पत्रकार बंधूंनी सहभागी व्हावं अशी मी वॉइस ऑफ मीडियाचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून आपल्या सर्वांना विनंती करतो आहे, आपल्याला आवाहन सुद्धा करतो आहे।